एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बढ़ालिया एंड वेलकम टू एसवी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस कन्वर्जन्स के, और स्पेशली मैंने जो कन्वर्जन्स उठाए हैं, क्वेश्चंस उठाए हैं, वो एनसीईआरटी उठाए हैं, क्योंकि अगर आप सीबीएसई या फिर हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लाइक मोर देन 95% चांसेस हैं कि कन्वर्जन आपको सीधा सीधा यहीं देखने को मिल जाए। ठीक है, आज के जो हमारी कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस रहेंगे ये एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पर बेस्ड रहेंगे, और मैं पर्सनली आपको इस चीज़ के लिए रिकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले चैप्टर को पढ़ें, रिएक्शंस को याद करें। ठीक है, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, उसको देखिए, पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, रिएक्शन को याद करिए, और जब आपको रिएक्शन याद हो जाती है उसके बाद आप यहाँ पर कन्वर्जन्स पर आइए। अगर आपको चैप्टर याद नहीं है, कन्वर्जन के क्वेश्चंस करने में आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा, और अगर आपको रिएक्शंस याद हैं तो आपको लगेगा कि इट्स जस्ट लाइक अ गेम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारी कन्वर्जन है वो है प्रोपेनॉन टू प्रोपीन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, नाम से इनके स्ट्रक्चर बना लेंगे। प्रोप का मतलब क्या होता है, तीन कार्बन। ओन का मतलब क्या होता है, कीटोन। ठीक, कीटोन के इधर भी कार्बन होता है, उधर भी कार्बन होता है। और एन का मतलब क्या है कि सिंगल बॉन्डेड है। अब हमने क्या किया, कार्बन की टेट्रावेलेंसी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिए, और हमें इसे किस में चेंज करना है, हमें इसे चेंज करना है प्रोपीन में, यानी कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या नोटिस कर पा रही हूँ कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ना तो कार्बन बड़े हैं और ना ही कार्बन एटम कम हुए हैं। इट मींस ना तो मुझे ऐसे रिएक्शंस के बारे में सोचना है जो कार्बन बढ़ाती है, ना मुझे ऐसे रिएक्शंस के बारे में सोचना है जो कार्बन को घटा देती है, कम कर देती है। तो अब मैं क्या नोटिस कर पा रही हूँ, मैं नोटिस ये कर पा रही हूँ कि एक तो ना यहाँ से कीटोन ग्रुप हट गया, साथ ही साथ ना यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। और मेरे को जहाँ तक याद आ जाए, मैं ऐसे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ कि जब वाटर बाहर निकलता है ना तो मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल कैसे निकलता है, अगर हम कोई मिनरल एसिड डाल दें अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल चैप्टर की बात कर रही हूँ, कि अगर हम क्या करें अल्कोहल ले लें और अल्कोहल के अंदर हम मिनरल एसिड डाल दें, लाइक सपोज मैंने H2SO4 डाल दिया और मैंने इसको हीट कर दिया, तो ये बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, वाटर को रिमूव कर देता है, हीटिंग से वैसे भी वाटर ही बाहर निकलता है। वाटर का मतलब क्या है, H2O, तो OH यहाँ से हो गया, एक H यहाँ से निकल सकता है, एक H यहाँ से निकल सकता है, आपकी इच्छा, आप कहीं से भी निकालें। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से एक H भी निकाल रही हूँ, तो ये वाटर बन के अगर बाहर निकलेगा तो ये मेरा प्रोपीन बन जाएगा, है ना, और प्रोपीन ही बनाना है। अब मेरा जो सवाल आता है वो आता है क्या, कि भाई ये तो मैंने अल्कोहल से एल्कीन बनाया है, क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है कि मैं कीटोन से अल्कोहल बना सकती हूँ। बिल्कुल है, मैं कितनी बार आपको ये बात बताती हूँ, कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स, कि अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन मिलता है ना, और अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड कीटोन मिलता है, एल्डिहाइड कीटोन का भी रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल। और मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, एंड वाइस वर्सा, लाइक एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं और हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कीटोन मिलता है, और कीटोन का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अब देखिए, मेरे पास OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दो अदर कार्बन से बॉन्डेड है, यानी कि ये क्या है, मेरा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है कि मैं कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बना सकती हूँ, क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है कि मैं कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बना सकती हूँ, बिल्कुल है। क्या कर सकते हैं हम, रिडक्शन। तो अगर हम यहाँ पर इसका रिडक्शन कर दें, हम क्या कर दें, अगर इसका रिडक्शन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल। तो मैं इसका रिडक्शन कर रही हूँ किससे, NaBH4 से, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्लियर है,
ठीक है, आप चाहे तो आप इसका रिडक्शन और किससे कर सकते हैं, आप इसका रिडक्शन उससे भी कर सकते हैं, आप हाइड्रोजन भी डाल सकते हैं पैलेडियम के साथ या रेनिनिकल के साथ। तो आपने क्या किया, आपने कीटोन का रिडक्शन किया, कीटोन का रिडक्शन करके आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिला, सेकेंडरी अल्कोहल में आपने हीटिंग करी, एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन प्रोसेस हुआ, वाटर बाहर निकला और क्या बन गया आपके पास, प्रोपीन। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को लिंक करके, यू नो इट्स लाइक अ पजल, अगर मान लो आप कोई एक तरीके के आप कुछ, आपको मैं कोई टास्क दे रही हूँ और मैंने आपको पजल्स दे दिया कि इसको सॉल्व करिए, ठीक है, आपको कोई केस सॉल्व करना है, तो आप होता ना कि हिंट ढूंढते हैं, लिंक ढूंढते हैं, देखते हैं हम कितनी सारी वेब सीरीज, इन द सेम वे आपको बस क्या करना है, रिएक्शंस याद कर लेनी है, पहले चैप्टर को याद करो, लिख लिख के रिएक्शन की प्रैक्टिस करो, जब याद हो जाए बस उसके बाद दिमाग लड़ाना है, दिमाग लड़ाते जाओगे कन्वर्जन होती जाएगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारी बेंजोइक एसिड है। ठीक है, बेंजोइक एसिड हम किसको कहते हैं, बेंजीन के ऊपर COOH को, और हमें इसे किस में चेंज करना है, हमें इसे चेंज करना है बेंजल एल्डिहाइड में, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या होना चाहिए हमारा, एल्डिहाइड। क्लियर है, ठीक है, बढ़ें आगे। तो अब देखिए, अगर हमारे पास नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल सकती हूँ और वो उसको किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। बट मान लीजिए आपको कोई ऐसी कन्वर्जन दे दी जिसमें आपसे कहा है कि आप कन्वर्जन तो करिए, है ना, बट नॉट मोर देन टू स्टेप, या आपको बोल दिया कि आप कोई दो स्टेप में ही कन्वर्जन करके बताइए कैसे करोगे आप। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है, आपने ना हेलो एल्केन में एक रिएक्शन बढ़ी थी कि जैसे हमारे पास अल्कोहल होता है और हम उसकी रिएक्शन अगर करा देते हैं HX के साथ, तो यहाँ से वाटर बाहर निकलता है और ये बना देता है हेलो एल्केन। ठीक है, अल्कोहल में भी पढ़ी है केमिकल रिएक्शंस में, और हेलो एल्केन की भी प्रिपरेशन में पढ़ी है आपने ये। फिर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास ROH है और हम PCl5 लेते हैं तो ये RX बनाता है। अब जैसे PCl5 डाल रहे तो RCl बनाएगा। एक हमने पढ़ी थी कि ROH लेते हैं, PCl3 भी डाल सकते हैं, तब भी हमारे पास ये 3 times हम लेते हैं और ये RCl बनता है। एक हमने पढ़ा था कि अगर हम अल्कोहल लेते हैं और SOCl2 डालते हैं तब भी ये हमारे पास RCl बनाता है और escapable gases SO2 and HCl gases बनाता है। तो हमने कहा था कि हम जितने भी तरीके पढ़ रहे हैं उनमें से सब वन ऑफ दी बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें ये हमारी गैसेस बन के उड़ जाती हैं और हमें यहाँ से प्योर एल्काइल हलाइड या प्योर हेलो एल्केन मिल जाता है। अच्छा, हम कन्वर्जन्स में ज़्यादातर चीज़ों को हेलो एल्केन में ही क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, और ड्यू टू डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाता है, वीक, और जल्दी टूट जाता है। इट मीन्स हेलो एल्केन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, और उनकी रिएक्टिविटी की वजह से हम सबसे पहले चीज़ों को हेलो एल्केन की फॉर्म में कन्वर्ट करना प्रेफर करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो भी हमने ये रिएक्शन हम चूज कर रहे हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं, तो बेसिकली जो हेलो एल्केन है उसमें OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो रहा है किससे, हेलोजन से। तो इन द सेम वे आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH ग्रुप है। अगर मैं इसके अंदर SOCl2 डाल दूं, तो SOCl2 डालने से क्या होगा, ये OH ग्रुप को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह क्या लगा देगा, यहाँ पर क्लोरीन। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन में कि जब हम स्पेशली अगर हम बात करें एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए, हम रोजनमंड रिडक्शन को यूज करते हैं। तो रोजनमंड रिडक्शन में हम क्या करते हैं, एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड लेते हैं, उसमें हम हाइड्रोजन डालते हैं पैलेडियम की प्रेजेंस में, और उसको हम क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो हाफ पॉइजेंट कर देते हैं बैरियम सल्फेट के साथ या फिर सल्फर के साथ। ठीक है, क्यूनोलिन डालते हैं। तो ये क्या करता है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे H2 है तो ये टूटेगा ऐसे HH की फॉर्म में, एक H यहाँ से HCl बना के निकलेगा और एक H यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा बेंजल एल्डिहाइड और वो HCl बना के बाहर निकल जाएगा। तो दो स्टेप में हमने क्या किया है, कन्वर्जन किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, उसकी SOCl2 के साथ रिएक्शन कराई, फिर हमने उसमें रोजनमंड रिडक्शन करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बेंजल एल्डिहाइड में। ठीक है, इसको नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, थर्ड, इथेनॉल को चेंज करना है 3-hydroxybutanol में। एथ का मतलब क्या होता है, दो कार्बन। ऑल का मतलब क्या है कि अल्कोहल है, यानी कि इस कार्बन पर OH है, और टेट्रावेलेंसी मेंटेन करने के लिए हम हाइड्रोजन लगा देंगे। इसे हमें किस में चेंज करना है, इसे हमें चेंज करना है 3-hydroxybutanol में। ब्यूट का मतलब क्या होता है, चार कार्बन। अल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड है। एन का मतलब क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है। और 3-hydroxy यानी कि 1, 2, 3 पे क्या है हमारे पास, OH है। अल्कोहल और एल्डिहाइड में प्रेफरेंस किसको मिलती है, एल्डिहाइड को, इसलिए नंबरिंग मैंने वहां से शुरू करी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो कार्बन है और यहाँ पर चार कार्बन है। कार्बन जब बढ़े तो आपके दिमाग में कार्बन बढ़ाने वाली रिएक्शन आनी चाहिए। कार्बन बढ़ाने की कौन कौन सी रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, ग्रिगनार्ड रिएक्शन, और आपकी साइनाइड ग्रुप वाली रिएक्शन, KCN से रिएक्शन करा दो, फिर हाइड्रोलिसिस वगैरह कर दो, तो CN नाइट्राइल ग्रुप हम ऐड करके भी कार्बन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पर मेरे को ना यहाँ पे देखो, मैं एक बात मैंने बहुत जल्दी पकड़ ली, और वो क्या पकड़ी, अगर आप ये बात सुन लोगे मेरे मुंह से तो नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरीके के क्वेश्चन देखोगे तो आप देखते झट से बात पकड़ सकते हो। मैंने क्या नोटिस करा कि कार्बन बढ़ रहे हैं, यहाँ दो थे, यहाँ ना चार हो गए। ठीक है, मतलब बढ़ गए। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ना एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो एल्डिहाइड का एल्ड और अल्कोहल का ऑल, यानी कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो एल्डोल है। और अगर आप स्ट्रक्चर बना के ये चीज नोटिस कर लेते तो आपको झट से पता चल जाएगा कि अगर एल्डोल प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, आपका एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जरूर आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 200% आपको बोर्ड में मिलेगी ही मिलेगी। वो डायरेक्ट भी आ सकती है, इनडायरेक्ट कन्वर्जन के रूप में भी आ सकती है, बट आएगी जरूर, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो अब देखिए एल्डोल जो है वो बेटा बनती है आपकी, एल्डोल के लिए या तो आपके पास क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड, या आपके पास क्या होना चाहिए, कीटोन। कीटोन जो है कम से कम 3 कार्बन में बनता है, थोड़ा दिमाग लड़ाओ। कीटोन जो है वो सबसे पहला कीटोन ही ये होता है, एसीटोन। अगर ये लग रहा होता, ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट में कार्बन है वो क्या हो गए होते, 3 के डबल 6, अगर आपने कीटोन कीटोन की रिएक्शन कराई होती। अगर आपने क्रॉस एल्डोल लगाया होता, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड, सपोज इथेनॉल करा होता, तो 5 कार्बन होते। पर मेरे पास ना तो यहाँ पर क्या है 6 कार्बन, ना मेरे पास यहाँ पर क्या है 5 कार्बन, तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ से मेरा रिएक्टेंट जो है वो कीटोन तो नहीं बनेगा। ठीक, दूसरी चीज क्या है, अब मुझे पता चल गया कीटोन है नहीं, एल्डिहाइड होगा, या तो आप ऐसे सोच लो, या आपको देख के भी यहाँ पर पता चल रहा है कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि क्या है ये प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके, अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रही थी, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड ही मिलता है। समझ में आया, सेकेंडरी अल्कोहल होता तो आपको क्या मिलता, कीटोन। तो अब हमें कुछ नहीं करना, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कैसे चेंज करें, ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, आप इसके अंदर KMnO4 डाल सकते हैं, K2CR2O7 डाल सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आप डाल सकते हो। मान लो सपोज मैं क्या कर रही हूँ, KMnO4 डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये इसको किस में चेंज कर देगा, यहाँ पे लिख दो माइल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, इसको किस में चेंज कर रहा है, एल्डिहाइड में। और फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये आपका आप इसके अंदर डाल रहे हैं डाइल्यूट बेस, डाइल्यूट NaOH। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये कंसिडर कर लिया जाएगा कि इसके दो मॉलिक्यूल हैं। अगर आप नीचे मेंशन कर देते हो कि हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कर रहे हैं, और सीधा सीधा आपका क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि रिएक्शन कैसे हुई, मैम ने तो सीधा सीधा लिख दिया, तो अभी हम समझेंगे कि ये रिएक्शन कैसे हुई।
एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ना, ये तो आपकी कन्वर्जन हो गई। अब इसके पीछे की कहानी समझेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ना, ये बेस्ड होती है अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी पे। किस पे बेस्ड होती है? अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी पे। तो जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ठीक है, जैसे मान लो एल्डिहाइडिक है, कीटोनिक है, कुछ भी है, तो इसमें जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इसके जो बगल वाला कार्बन होता है, इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या है? सी डबल बॉन्ड हो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो ये हाइड्रोजन से भी खींच रहा है, कार्बन से भी खींच रहा है, पर हाइड्रोजन के पास तो है ही एक, कितना दे देगा उसको। तो ये क्या कर रहा है? वहां पे ज्यादा हाथ मार रहा है जहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये कार्बन से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, कार्बन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन से खींच रहा है। तो जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा खींच रहे हैं तो बॉन्ड क्या हो रहा है? पोलर। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो रहे हैं? एसिडिक। ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। अब क्या होगा? बेस आएगा और बेस क्या करेगा? यहां से अल्फा हाइड्रोजन ले जाएगा, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। बेस का काम ही यही होता है, टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटोन। और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? कार्बन पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा मैं कर देती हूँ। जैसे कि ये आपके पास इथेनल है, तो इथेनल में हमने क्या किया? इथेनल में हमने एल्डिहाइड ले लिया, बेस आया, बेस ने क्या किया? अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आ गए, और इसने क्या बनाया? इसने बना लिया कार्ब एनायन। अब ये कार्ब एनायन जो है ये क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट एनायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये यहाँ आएगा बॉन्ड बनाने, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, और ये क्या बनाएगा? CH2 डबल बॉन्ड कार्बन O माइनस, इधर क्या आ गया? H। फिर ये वापस ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होते हैं? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनोलेट एनायन बनाते हैं। फिर अब ये जो कार्ब एनायन है हमारा, ये क्या करता है? दूसरे ही एल्डिहाइड मॉलिक्यूल पर अटैक कर देता है। कैसे करेगा अटैक? देखिए, ये हमारे पास इथेनल है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? 3.5, और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? 2.5। किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, अपने ऊपर ले लेगा पार्शियल नेगेटिव, कार्बन को दे देगा पार्शियल पॉजिटिव। तो लोन पेयर विद माइनस साइन, इसको जहां दिखाई देता है प्लस, ये प्लस पे अटैक कर देता है। अटैकिंग सीरीज याद रखिए, लोन पेयर विद माइनस साइन सबसे स्ट्रांग अटैकर, फिर लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर इंटरमीडिएट, प्लस साइन। तो लोन पेयर विद माइनस साइन सबसे स्ट्रांग अटैकर होता है, इसे जहां कहीं पे भी प्लस दिखता है ये उस पर अटैक कर देता है। तो लोन पेयर विद माइनस साइन डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल में। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा, देखिए, CH3 इस कार्बन पे अटैक हुआ, इसका ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो गया। ऑक्सीजन के पास चार इलेक्ट्रॉन पहले से थे, इस बॉन्ड के भी दो इलेक्ट्रॉन आए, एक्सेप्ट किया, इसलिए माइनस। हाइड्रोजन जो है इसको मैं कार्बन के साथ चिपका के लिख रही हूँ। इस कार्बन पे किसने अटैक किया? इसने अटैक किया, CH2 ने अटैक किया, और यहाँ पर क्या है? CHO। ठीक, फिर मैं यहाँ पर क्या यूज कर रही हूँ? डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट का मतलब क्या है? बेस किसके अंदर डिजोल्व है? वाटर के अंदर। तो जो भी हमारा सॉल्वेंट है, वाटर है या जो भी है, उससे क्या करेगा? H प्लस ले लेगा, और ये क्या बनाएगा? CH3CHOH CH2CHO। तो क्या आपका यही प्रोडक्ट बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे? बिल्कुल, हमारा वही बन गया। ठीक है, क्लियर है? तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर देती हूँ इतने। अब देखिए, नेक्स्ट कन्वर्जन हमारी क्या है? नेक्स्ट कन्वर्जन है, बेंजीन को चेंज करना है। सिंपल सी बेंजीन है हमारे पास, इसको चेंज करना है किसमें? मेटानाइट्रो एसिटोफिनोन में। तो एसिटोफिनोन क्या है, मैं कई बार बताती रहती हूँ। अगर आपने मेरा डिस्टिंग्विश टेस्ट वाला वीडियो देखा है तो वहाँ पे भी मैंने बताया है कि बेंजीन के ऊपर COCH3 को हम एसिटोफिनोन कहते हैं, और इसके मेटा पोजिशन पे क्या है? नाइट्रो। तो ये हमारा जो ग्रुप है, इसके बगल वाला होता है ऑर्थो, उससे नेक्स्ट वाला होता है मेटा, और ये वाला होता है पैरा। तो मेटा पे क्या है? NO2 ग्रुप है। तो देख के ही पता चल रहा है, क्लास 11th की रिएक्शन है। पांच सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पे वही दो लग रही है, एक बार एसाइलेशन हुआ है, एक बार नाइट्रेशन हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसका पहले कर दो एसाइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन।
क्या कर सकते हैं, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी एल डाल सकते हैं और अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये क्या करेगा, बेंजीन पर COCH3 जोड़ देगा, एसाइलेशन कर रहे हैं तो एसाइल ग्रुप को जोड़ देगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एसीटोफिनोन। अब अगर हम एसीटोफिनोन में क्या कर दें, नाइट्रो ग्रुप जोड़ना ना, नाइट्रेशन कर दो, तो हम इधर डाल देंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक। तो ये क्या करेगा, इसके मेटापोजिशन पे क्या जोड़ देगा, NO2 ग्रुप को जोड़ देगा, ठीक है। तो बहुत आसान सी रिएक्शन थी। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज, और इधर CH3 लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, बेंजल एल्डिहाइड। बेंजल एल्डिहाइड हम किसको कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या होता है, CHO, और हमें इसको किस में चेंज करना है, हमें इसे चेंज करना है बेंजोफिनोन में। बेंजोफिनोन का मतलब क्या होता है, दो बेंजीन रिंग के बीच में आपके पास कार्बोनिल ग्रुप का होना, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए क्या है कि मैं इसको कैसे इसमें चेंज कर सकती हूँ। मैंने ना ये पढ़ा था, पढ़ाया भी था आपको, कि एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के तरीके होते हैं। कुछ एक तरीका था जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते थे, और उसका सबसे बढ़िया तरीका था कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। आप देख सकते हैं प्रिपरेशन में मैंने पढ़ाया हुआ है, अपने नोट्स में आप चेक करिएगा। तो अगर मैं इस बेंजल एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दूं, K2Cr2O7 से कर दिया मान लो, आप चाहें तो कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, तो मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया, तो ये इसको किस में चेंज कर देगा, बेंजोइक एसिड में चेंज कर देगा। अब मुझे ना ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ना एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जानबूझ के कैल्शियम का सॉल्ट ले रही हूँ, उसका रीज़न क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 2882। तो ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और क्या बनाएगा, डाइवेलेंट कैटायन, ठीक है। अब जो मेरा बेंजोइक एसिड है ये ना एसिडिक इन नेचर होता है, तो ये डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होके एसिड की तो प्रॉपर्टी यही होती है, टूट के क्या देना, H+ देना, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए दो H+ चाहिए पहली बात, और यहां 2+ है, तो 2+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां 2- चाहिए। तो यही रिएक्शन दोबारा होगी, ये आपस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 गैस बन के बाहर हो जाएंगे। और देखिए क्या होगा कि कैल्शियम इसके साथ सॉल्ट बना रहा है, और सॉल्ट किस तरीके से बना रहा है, मैं लिख रही हूं कि मैंने यहां पर डाल दिया सपोज CaCO3, ठीक है। आप कैल्शियम भी लिख सकते हैं कि कैल्शियम के साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं। तो हो क्या रहा है, बेसिकली ये ऐसे बन रहा है, रिंग है, सी डबल बॉन्ड ओ है माइनस, ये जुड़ा किसके साथ, कैल्शियम के साथ, कैल्शियम पे 2+ था, तो इसी तरीके से यहां पर है O- सी डबल बॉन्ड ओ और क्या है हमारी बेंजीन रिंग। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, आपस में कंपाउंड बना लिया। अब जब मैं इसको हीट करूंगी, तो हीट करने से क्या होगा, यहां से यहां पे कैल्शियम लिखो, कैल्शियम मेटल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अब जब मैं इसे हीट करूंगी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है हमारा, CaCO3, तो कैल्शियम, ठीक है, CaCO3 और एक ऑक्सीजन यहां से, ये CO3 बना के बाहर निकलेगा, और ये रिंग आपस में जुड़ जाएगी, तो ये क्या बनाएगा, बेंजीन रिंग। इस पर क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या है, बेंजीन रिंग, इसके साथ आके जुड़ जाएगी और ये क्या बना देगा, बेंजोफिनोन, ठीक है। तो अब देखिए मुझे क्या करना था, इसे हीट करना था, जिसके लिए मुझे ये दो बार जरूरत थी, तो इसी वजह से मैंने कैल्शियम को चुना, क्योंकि कैल्शियम जो है, ठीक है, कैल्शियम जो है वो क्या करता है, अपने ऊपर दो इलेक्ट्रॉन लूज करके 2+ का चार्ज लेता है, 2+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे दो बेंजोएट आयन लगते, और फिर जब मैं हीट करती तो फिर ये दो आपस में जुड़ जाते। अब बेंजोइक एसिड जो है वो सोडियम के साथ भी रिएक्ट कर सकता, सोडियम भी तो मेटल है, पर मैं उसको इसलिए नहीं ले लूंगी क्योंकि सोडियम पे +1 का चार्ज आता है, और वहां पे फिर एक ही रिंग आती, और मुझे क्या चाहिए थी, इधर दो रिंग चाहिए थी, तो मैंने ऐसे मेटल को चुना जिस पर 2+ का चार्ज आता है। समझ में आया, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास ब्रोमोबेंजीन है और ब्रोमोबेंजीन को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, वन फिनाइल इथेनॉल। एथ का मतलब दो कार्बन, ऑल का मतलब क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल है, और वन फिनाइल है मतलब अल्कोहल जिस कार्बन पर जुड़ा है उसी पे क्या है, बेंजीन रिंग है, और यहां पे मैं लगा रही हूं CH3 और इसकी टेट्रावेलेंसी मेंटेन करने के लिए एक H यहां लगा दिया। तो ये बन रहा है, आपको साफ साफ देख के पता चल रहा है कि यहां पर कार्बन बढ़ रहे हैं, यहां पे रिंग के ऊपर कोई कार्बन नहीं था, यहां पे रिंग के ऊपर कार्बन आ गया। तो कार्बन बढ़ाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शन होती है, वुड्स हम तब लगाते हैं जब अल्केन बनाना हो, कोरे हाउस भी हम तब लगाते हैं जब अल्केन बनाना हो, तो या तो हम ग्रिगनार्ड यूज कर सकते हैं या फिर हम साइनाइड मेथड यूज कर सकते हैं। तो ग्रिगनार्ड लगाने के लिए सबसे पहले ग्रिगनार्ड होना चाहिए, तो RX में जब हम मैग्नीशियम डालते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो ये बनाता है RMgX जिसे हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो मुझे RX दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसके अंदर मैग्नीशियम डाल दूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो ये बनाएगा RMgX, यानी कि मेरा ग्रिगनार्ड बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, दो कार्बन दिख रहे हैं, तो मैं दो कार्बन के एल्डिहाइड के साथ इसकी क्या करा दूंगी, रिएक्शन करा दूंगी, क्योंकि मैंने आपको नोट्स में पढ़ाया था कि अगर आप चाहते हो अल्कोहल बनाना तो आप क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है। मैग्नीशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, मेटल है, मेटल पे हमेशा प्लस होता है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली कार्बन पे कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड किस में रिड्यूस हो जाएगा, सिंगल में। तो देखिए क्या हुआ, CH3 कार्बन ये हो गया O-, इस H को मैं इसके साथ चिपका कर लिख रही हूँ, और इस कार्बन पे किसने अटैक किया, रिंग ने अटैक किया, तो मैंने यहाँ लिख दिया रिंग, ठीक। उसके बाद क्या है, ये जो मैग्नीशियम प्लस है ये इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। फिर हम इसका कर देंगे हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस जब करेंगे वाटर कैसे टूटेगा, H प्लस में और OH माइनस में, नेगेटिव अटैक कर देगा पॉजिटिव पे और ये क्या बनाएगा, CH3CH OH और क्या आ गया, रिंग, और प्लस में Mg। मैग्नीशियम पे कैसा साइन था, प्लस, तो प्लस से कौन अट्रैक्ट हो जाएगा, OH माइनस और Br, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। यही करना था हमें, है ना। वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़।